हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रशिता शो। आज बात करते हैं अनार के बारे में। बच्चे को कौन सी एज से जो है आप अनार दे सकते हो, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बच्चे को अनार दे रहे हो, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं अनार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी एज से, कौन सी उम्र से आप ये बच्चे को दे सकते हो। तो 6 मंथ्स के बाद, जब आप बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो 6 मंथ्स के बाद ही आप बच्चे को अनार दे सकते हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आगे बात करूँगी। तो 6 मंथ्स के बाद में आप अनार दे सकते हो। बस यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 6 मंथ्स के बाद जो है बच्चा सिर्फ वाटर कंसिस्टेंसी में ही फूड लेता है, तो आप सिर्फ जूस ही उसको दीजिए, अच्छे से छान के दीजिए, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बहुत सारे विटामिन से भरपूर होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद में जब बच्चा आपका 8 to 9 मंथ्स का हो जाता है, तो आप थोड़ा सा पल्प भी दे सकते हो, मतलब जैसे अनार का जो दाना है उसमें से बीज निकाल लिया और उस टाइम पर जो है वो पल्प जो उस पर बच जाता है, वो आप बच्चे को 9 मंथ्स के बाद में दे सकते हैं। तो ये तो बात कर ली एज की कि कौन सी एज से आप बच्चे को अनार दे सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं अनार के। तो अनार सबसे पहले तो इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनार अगर बच्चा रेगुलरली लेता रहता है, और लिमिटेड क्वांटिटी में देना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट अगर रेगुलरली बच्चा अनार लेता रहता है तो कोल्ड कफ जैसे प्रॉब्लम से बच्चा जो है वो बचा रहता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, तो काफ़ी तरह के इन्फेक्शन से भी बच्चा जो है बचा रहता है, तो अनार आपको बच्चे को देना चाहिए। फीवर भी बच्चे को है तो उस टाइम पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, फीवर को कम करने में, बच्चे के रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो फीवर के टाइम पर भी अनार बच्चे को आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए। और बच्चे को हेल्प करता है डाइजेशन में, क्योंकि फाइबर इसमें भरपूर होता है, जब आप बच्चे को पल्प देते हो तो उस टाइम पे फाइबर बच्चे की बॉडी में जाता है, जो कि बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा आप देखोगे कि बच्चे को पेट में ना कई बार कीड़े हो जाते हैं, अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ में है तो अनार आप बच्चे को दीजिए, उस टाइम पे बच्चे को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स आपने देख लिए काफ़ी ज़्यादा हैं अनार के, तो डेफिनेटली आपको बच्चे को अनार देना है, अनार आपको देना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद से बच्चे को दीजिए, और थोड़ा कम क्वांटिटी में दीजिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जब आपका बच्चा 1-2 साल का हो जाए तो नॉर्मली दाने भी उसको खाने के लिए दे सकते हैं। तो एज के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, बट 6 मंथ्स के बाद से अनार जो है बच्चे की डाइट में आप ऐड कर सकते हो। थोड़े से प्रिकॉशन की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि क्या क्या प्रिकॉशन जो है आपको लेने हैं जब आप बच्चे को अनार दे रहे हो। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि 6 मंथ्स के जब बाद आप दे रहे हो तो बच्चे को बिल्कुल जूस ही देना है, बच्चे को अनार का जूस निकाल के दीजिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बाहर का नहीं देना है, उसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पैक्ड जूसेस आते हैं बॉक्स में वो भी नहीं देना है, आपको घर पे फ्रेश जूस ही निकाल के देना है, जब भी देना है। अनार को आप अच्छे से छील लीजिए, उसके दाने निकाल लीजिए, और उसको किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से आप उसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरा वो ग्राइंड होता है तो उसके बाद में उसका जो है कड़वाहट हो जाती है, उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो नॉर्मली भी आप दाने निकाल के आप कोई भी छन्नी सी ले लीजिए, कोई स्ट्रेनर ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा स्पून की हेल्प से प्रेस करेंगे तो जूस जो है निकल आएगा। 6 मंथ्स पे वैसे भी बच्चा बहुत कम क्वांटिटी में लेता होता है, तो उतना जूस आराम से उसमें रेडी हो जाएगा। तो उस तरीके से आप बच्चे को जूस दे सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि 9 मंथ्स के बाद में आप पल्प दे सकते हो, उस टाइम पे भी आपको बच्चे को अनार के जो है दाने निकाल लेने हैं, और दाने निकालने के बाद में जो दानों के अंदर सीड होता है, जो बीज होता है, वो निकाल लीजिए, और फिर जो है थोड़ा सा पल्प आप बच्चे को दे सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है। और आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा एलर्जी का भी, कई बार क्या है कुछ बच्चों को अनार से एलर्जी हो जाती है, कुछ बच्चों को हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ में ऐसा होता है। आप जब भी अपने बच्चे को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चाहे फ्रूट हो या कोई वेजिटेबल हो या कोई भी आइटम, आप हमेशा सिंगल आइटम दीजिए, आप बच्चे को देखिए कि उसका बॉडी का क्या रिएक्शन है उस चीज़ को खाने के बाद। अनार का भी आपको यही देखना है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, कोई रैशेज, कोई वॉमिटिंग, कोई डायरिया का प्रॉब्लम, या कोई स्टमक पेन वगैरह, कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि पहले नहीं था और अनार देने के बाद में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप अनार डिसकंटिन्यू कीजिए। अगर बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन है अनार लेने के बाद में, तो डेफिनेटली आप उसको रेगुलरली जो है बच्चे को देते रहिए।
क्वांटिटी का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप देते हो, कई बार क्या होता है कि बच्चे को टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, तो एज ए पेरेंट हम भी थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं और हम क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि बच्चे को ये बहुत अच्छा लग रहा है तो बच्चे को ये देना चाहिए, और ये भी लगता है कि न्यूट्रिशन रिच है तो डेफिनेटली देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब आप बच्चे को कोई भी आइटम दे रहे हो, स्पेशली 6 मंथ्स के बाद में, या कोई भी नया फूड आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो कोई सी भी एज में, कम क्वांटिटी दीजिए पहले, फिर कुछ टाइम के बाद उसका बॉडी का रिएक्शन देखिए और उसके बाद में उसको क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अनार आप देते हो तो बच्चे को डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, तो क्वांटिटी का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर एक छोटे बच्चे को आप दे रहे हो 6 मंथ्स के बाद में, तो आधा चम्मच या एक चम्मच भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, अनार जब आप बच्चे को देना चाह रहे हैं तो अनार छीलने से पहले उसको अच्छे से आप वॉश कीजिए, फिर उसको पील कीजिए, उसको छीलिए, उसको छीलने के बाद भी जो उसका बाहर का छिलका होता है उसके बाद भी अंदर एक वाइट कलर का स्किन होता है उसको ज़रूर निकालना है। उसे क्या होगा कि अगर वो वाइट स्किन जूस वगैरह में ऐड हो जाता है तो उससे टेस्ट काफ़ी कड़वा हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बच्चे को सोने से पहले अनार नहीं दीजिए, अनार या कोई भी मीठी चीज़ नहीं दीजिए, चाहे उसमें नेचुरल शुगर है फिर भी नहीं देना है। बच्चे के दांतों वगैरह में प्रॉब्लम कर सकता है, बच्चे के मसूड़ों में प्रॉब्लम कर सकता है, तो अनार भी काफ़ी मीठा होता है, हालांकि उसमें नेचुरल शुगर होता है, बट फिर भी सोने से पहले नहीं दीजिए। अच्छा है, फ्रूट खाने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो है सुबह के टाइम पे, जैसे ब्रेकफास्ट टाइम पे आपने दे दिया 10-12 बजे करीब, या लंच से पहले आपने दे दिया, वो काफ़ी अच्छा टाइम है। उस टाइम पे कोई भी फ्रूट आप बच्चे को दीजिए, अनार जूस बच्चे को दीजिए, सोते टाइम नहीं देना है, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि अनार जब आप बच्चे को दे रहे हैं तो सिर्फ अनार ही दीजिए, मतलब अनार का जूस दे रहे हैं तो बस थोड़ा सा फ्रेश अनार का ही दीजिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्रूट्स को मिक्स करके और फिर उसका जूस बना के बच्चे को दे देते हैं, ऐसा प्लीज़ आप नहीं कीजिए। जब भी कोई एक फ्रूट दे रहे हैं तो एक ही फ्रूट दीजिए। बस काफ़ी लोग शेक्स वगैरह भी बना के देते हैं, जैसे बनाना शेक हो गया और मैंगो शेक हो गया, ये सब हम लोग भी बचपन से पीते आ रहे हैं, बट बच्चों को आपको नहीं देना चाहिए। फ्रूट जो है सिंगल ही बच्चे को एक टाइम पे एक बार में देना चाहिए। नॉर्मली जब आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो प्लेट में थोड़ा सा कट करके उस टाइम पे आप दे सकते हो, बट जब जूस की कंसिस्टेंसी में आप बना रहे हो तो प्लीज़ मिक्स करके नहीं बनाइए, किसी और फूड के साथ क्लब करके नहीं बनाइए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार क्या है कि मिक्स करने के बाद में जो है आपस में रिएक्शन हो जाता है और वो फिर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना हम लोग का होता है, तो उस हिसाब से बच्चे को जो है घर का खाना दीजिए, सिंपल खाना दीजिए, एक टाइम पे एक ही चीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए। 1 साल से पहले चीनी नमक ना दें, जैसे अनार का जूस भी कई लोग बनाते हैं तो कई बार उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, चीनी ऐड कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेचुरली अनार में जितना मिठास है बस वही आप जूस बना के बच्चे को दीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।